दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की रंगदारी के मामले में एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही को पूछताछ के लिए बुलाया। इस पूछताछ में बॉलीवुड से संबंध रखने वाली पिंकी ईरानी को भी शामिल किया गया। इससे पहले बुधवार को एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से 8 से ज्यादा घंटे तक पूछताछ हुई थी। बताया गया कि जैकलीन ने कई सवालों के गोलमाल जवाब दिए। ऐसे में माना जा रहा है कि उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। नमस्ते, मैं मेधावनी हूँ, आप हैं मंच पर। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल के अंदर से ही एक बड़ा कारनामा कर दिखाया था। अपनी पहचान बदली उसने और 200 करोड़ रुपए की ठगी की और इस पैसे से जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही को महंगे महंगे गिफ्ट दिए थे। सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। उसके बाद से ही जैकलीन और नोरा फतेही भी पुलिस के रडार पर आ गई थी। मकोका ऐसा एक्ट है जिसमें फांसी तक की सजा हो सकती है और कम से कम सजा 5 साल जेल है। इस एक्ट के तहत गिरफ्तारी होने के बाद आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिलती है। वहीं इस पूरे मामले में सुकेश की मदद करने के आरोप में तिहाड़ जेल के कुछ अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही तिहाड़ जेल के करीब 70 कर्मचारियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। दरअसल एक तरफ सुकेश लगातार जैकलीन के संपर्क में था, वहीं उसके निशाने पर नोरा फतेही भी थी। जैकलीन फर्नांडिस ने ED को दिए अपने बयान में माना कि वो सुकेश से अपने मेकअप आर्टिस्ट के कहने पर मिली थी। तब तक वो सुकेश को सन TV के मालिक शेखर रत्नवेला के तौर पर जानती थी। वहीं सुकेश ने नोरा को लीना पॉल के जरिए एक इवेंट पर बुलाया था और महंगे गिफ्ट्स दिए थे, जिसके बाद दोनों की व्हाट्सएप चैट पर बात होने लगी। सुकेश ने दोनों एक्ट्रेस को बड़े महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए हैं। EOW का आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर ने दिसंबर 2020 में नोरा फतेही को BMW कार गिफ्ट की थी। वहीं इन आरोपों से इनकार करने वाली नोरा फतेही का कहना है कि उन्हें ये कार सुकेश ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी लीना मारिया ने चेन्नई में एक इवेंट का हिस्सा लेने के बदले में दी थी। जबकि ED की चार्जशीट में जैकलीन पर आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें करीब 7 करोड़ रुपए की ज्वेलरी गिफ्ट की। इसके अलावा करीब 9 लाख रुपए की 3 पर्शियन बिल्लियां, करीब 52 लाख रुपए का 1 अरबी घोड़ा, कानों में पहनने वाली 15 जोड़ी बालियां, डायमंड के सेट, बेशकीमती क्रॉकरी, गुच्ची और शनेल जैसे महंगे ब्रांड्स के डिजाइनर बैग्स, जिम में पहनने के लिए गुच्ची के 2 आउटफिट्स, लुई विटों के कई जोड़ी जूते, हम्स के 2 ब्रेसलेट, एक मिनी कूपर कार और रोलेक्स की महंगी घड़ियां गिफ्ट की। इसके अलावा सुकेश ने जैकलीन की अमेरिका में रहने वाली बहन गरेल देने फर्नांडिस के अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम लोन के तौर पर ट्रांसफर की थी और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जैकलीन के भाई वॉरेन फर्नांडिस के अकाउंट में भी 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। दरअसल कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर को फोर्टिस हेल्थ केयर के पूर्व प्रमोटर शिवेंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह और उनके साथ साथ कुछ और हाई प्रोफाइल लोगों से धोखाधड़ी और जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने कई बॉलीवुड एक्टर्स और मॉडल्स से चंद्रशेखर के कथित संबंधों के लिए पूछताछ भी की है। पिछले साल अप्रैल में चंद्रशेखर को 2017 चुनाव आयोग रिश्वत मामले से जुड़े एक और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अन्नाद्रमुक के पूर्व नेता भी शामिल बताए जा रहे थे। इस स्टोरी को तैयार किया है हमारे साथी मंचकार रमन ने। अगर आपको ये पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।